नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर। इसके साथ साथ राजस्थान में एक और अभियान संचालित है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सीकर दौरा, जहां मुख्यमंत्री ने सांगलिया ढूंढी पीठ पर लगाई ढोक। इसके बाद अगली जानकारी है राइजिंग राजस्थान समिट से संबंधित। पिछले कई दिन से हम लगातार देख रहे हैं, ये समिट होने वाला है 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024, यानी ये इसकी प्रस्तावित तिथियां हैं। इन तिथियों को इसका आयोजन होगा, जयपुर में ही इसका आयोजन होने वाला है। अगली जानकारी है राज्यसभा उपनिर्वाचन 2024, जिसमें भाजपा प्रत्याशी श्री रवनीत सिंह, इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पिछले क्षेत्रों को चिन्हित कर स्तरीय विद्यालय खोले जाएंगे, राज्यपाल ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि सुधरेगी सड़कों की हालत, यानी कि बरसात के टाइम में अभी जो सड़कों की हालत खराब हुई है इसको सुधारने के लिए 1 सितंबर से शुरू करके और 25 अक्टूबर तक एक मेंटेनेंस के लिए कैंपेन चलाया जाएगा। अगली जानकारी है राजस्थान में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, और यहाँ 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो कि गुरुवार से होने वाली है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां आज की क्लास की। सबसे पहले है राज्यसभा उपनिर्वाचन 2024, इसके बाद है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, तीसरी जानकारी है स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, और लास्ट में हम देखेंगे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज्यसभा उपनिर्वाचन 2024। राजस्थान में कुल 10 राज्यसभा की सीट हैं, इनमें से अभी 1 सीट खाली हुई, जिसका कारण क्या था, केसी वेणुगोपाल, इन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यसभा की 1 सीट खाली हुई। इसके बाद इस 1 सीट के लिए उपनिर्वाचन किया गया और इस उपनिर्वाचन में भाजपा के प्रत्याशी श्री रवनीत सिंह, इनको निर्विरोध चुना गया है। अगली जानकारी है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लोगो को लॉन्च किया था और इस लोगो में ही जानकारी दी हुई है कि 9, 10 और 11 दिसंबर 3 दिन इस समिट का आयोजन किया जाएगा। आयोजन होगा इसका जयपुर में 9 से लेकर 11 दिसंबर, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में निवेश को आकर्षित करना। चूंकि समिट के नाम में ही लिखा हुआ है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, यानी कि राजस्थान में निवेश को आकर्षित करना। अगली जानकारी है स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। राजस्थान में राजस्थान के जो कुछ शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनके कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन होगा 29 और 30 अगस्त 2024। इसका आयोजन स्थल है जयपुर में ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। अब चूंकि ये पुलिस कॉन्फ्रेंस है तो इसका उद्देश्य भी क्या है, प्रदेश में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था या जन सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं इन सभी पर चर्चा करना, और इसके लिए राज्य के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस होगी। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है, 2 दिन के लिए रखी गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार करना। इसके बाद अगली जानकारी है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून और इस वर्ष यानी कि 5 जून 2024 को यह अभियान लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य आपको नाम में ही पता चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना। अब इसके लिए एक संख्या निर्धारित की गई, एक लक्ष्य तय किया गया कि इस वर्ष कुल 7 करोड़ वृक्षारोपण राजस्थान में किए जाएं। इन 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधे आम जनता को दिए जाएंगे रियायती दर पर। इसके बाद बाकी के 3 करोड़ पौधे दिए जाएंगे जो कि राज्य के भूमि पर लगाए जाएंगे और 1 करोड़ पौधे चारागाह की भूमि पर लगाए जाएंगे। इसके बाद है आज का अभ्यास प्रश्न, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कब किया जाना प्रस्तावित है? तिथि पूछी गई है और ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सितंबर 2024, दूसरा अक्टूबर 2024, तीसरा है नवंबर 2024 और चौथा है दिसंबर 2024। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।